कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के लिए दावेदारों की कतार लंबी होती जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, बाला बच्चन, जीतू पटवारी, अजय सिंह, गोविंद सिंह, केपी सिंह के अलावा अब आदिवासी विधायक बिसाहूलाल सिंह ने भी दावा ठोक दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश में आदिवासी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग हो रही है और इसी कड़ी में गृह मंत्री बाला बच्चन का नाम लिया जा रहा था, लेकिन बिसाहूलाल सिंह का कहना है कि उनके समर्थन में 31 विधायक हैं जिन्होंने राहुल गांधी और पार्टी हाईकमान को पत्र लिखकर कहा है कि बिसाहूलाल सिंह को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। इनके मुताबिक बिसाहूलाल सिंह 10 साल विभिन्न विभागों के मंत्री रह चुके हैं और 5 बार विधायक चुनकर आ चुके हैं और इनके साथ कोई विवाद नहीं है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के दूसरे दावेदारों के नाम पर विवाद है। आपको बता दें कि बिसाहूलाल सिंह अनूपपुर के विधायक हैं। उनका कहना है कि रीवा, सीधी, सतना, शहडोल के आदिवासी विधायकों और पूर्व विधायकों ने उनके नाम का प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने से भी बिसाहूलाल सिंह नाराज हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। बिसाहूलाल सिंह 10 साल तक विभिन्न विभागों के मंत्री रहे और 5 बार विधायक भी रहे, तो इनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए और बाकी लोग सब विवादग्रस्त हैं, इनका कोई विवाद नहीं। कितने विधायकों लिख के दिए सर? 31। कहाँ कहाँ के सर? आदिवासी विधायक, ट्राइबल, आप देख रहे हैं। जी जी सर, तो कागज कागज है ना, राहुल गांधी को दिया है सब लोग। कब दिया जी? ये कल भिजवाए हैं सब। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? अरे वो लिख के दिए हैं, अब हमको मंत्री भी नहीं बनाया तो का कर लिए, पर पब्लिक तो चाह रही है। और रीवा, सीधी, सतना, शहडोल के सब पूर्व विधायक और लोगों ने भी लिख के दिया है।